और सुनाओ, सब बढ़िया? तुम्हारा तो बढ़िया ही होगा, मेरा नहीं है। बताए क्यों? इस गाड़ी की वजह से। इसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से। क्योंकि तुम्हारे भाई ने स्वैग मारने के चक्कर में गाड़ी ले रखी है, KTM RC 200। और आपको तो पता ही है, देश में चल रहा है लॉकडाउन, और इस लॉकडाउन में घर से निकलना अलाउड नहीं है। लेकिन जब भी मैं इस गाड़ी को लेके मार्केट में निकलता हूँ, तो पुलिस वाले 1 किलोमीटर दूर से ही मेरे स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं। कल परसों जब मैं ये गाड़ी लेके मार्केट गया, तो पुलिस वाले 2-3 जनों को रोक करके वहाँ पर उनसे इंक्वायरी कर रहे थे कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा, उनको भेज दिया, बोले तुम जाओ तू आ। और जैसे उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मैंने ऐसा यू टर्न मारा है, यू टर्न मार के सीधा आके घर पर रुका हूँ। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि खुद की गाड़ी की बुराई खुद ही कर रहा है, पर बुराई बुराई नहीं करेंगे हम। खुद्दू चीज़ों के बारे में वीडियो नहीं बनाया, वीडियो बनाया है लॉकडाउन के टाइम को किस तरीके से यूज़ किया जाए। क्योंकि आपको तो पता ही है कि लॉकडाउन में सारी दुकानें, सारे शोरूम और जितने भी सर्विस सेंटर हैं सभी बंद हैं। तो अब मेरी गाड़ी की चेन के अंदर से बहुत टाइम से आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा कि घर पे टाइम का यूज़ किया जाए और इसकी चेन को स्प्रे किया जाए। और इसकी चेन को स्प्रे करने के लिए चेन स्प्रे मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन पहले टाइम मिल नहीं पाता था। अब लॉकडाउन की वजह से टाइम मिला है, तो अब सोचा कि चेन स्प्रे किया जाए और वीडियो बनाया जाए, ताकि उसको देख के आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिले। और अगर आप पहले से जानते हो कि चेन, गाड़ी की चेन को स्प्रे किस तरह से करना है, तो भैया वीडियो खोल ही दिया है तो देख ही लो क्या ही चला जाएगा। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। और गाड़ी की चेन को क्लीन करने के लिए मेरे पास चेन क्लियर नहीं है, उसके लिए मैं पेट्रोल यूज़ करने वाला हूँ। और पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? हमारी पुरानी गाड़ी। और जब ये पेट्रोल भर जाएगा, उसके बाद इसके जो ढक्कन है, उस ढक्कन में एक छेद करके इस पेट्रोल को निकालने के लिए एक स्प्रे टाइप का मैं बना दूंगा, जिससे पेट्रोल को चेन में डालने में थोड़ा सा इजी रहेगा। फ़िलहाल के लिए इतना पेट्रोल बहुत है, और कम पड़ेगा तो फिर से निकाल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना बहुत है। इनको क्लीन करने के लिए इससे निकलने वाला जो ऑयल है, उससे गंदगी ना फैले, इसके लिए मैं इसके नीचे अखबार बिछा रहा हूँ। बस प्रॉपर अभी चेन क्लीनर नहीं है, ना ही चेन क्लीनर का ब्रश है, इसलिए अभी मैं जो टूथपेस्ट का ब्रश है उससे भी चेन साफ करने वाला हूँ। पहले जो ये एरिया दिख रहा है उसको प्रॉपरली पेट्रोल से साफ करूँगा, उसके बाद जो एरिया नहीं दिख रहा है उसको गाड़ी को खिसका के आगे पीछे करके, और ये जो एरिया बचा हुआ है उसको पेट्रोल से साफ करूँगा। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। Let's go.
अभी तक छाप नहीं थे। अब इसके लिए मुझे स्टैंड भी चाहिए, लेकिन स्टैंड अब क्वारंटाइन के टाइम में मिल नहीं सकता है। और अब ये जो मॉड्यूल का चेन लूप है उसको चेन पर लगाना। सो फाइनली KTM RC 200 की चेन स्प्रे हो चुका है। आप भी घर पर बैठकर क्वारंटाइन में इस तरीके से यूज कर सकते हैं।